पूरे प्रदेश में आज बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन सुर्खियों में आ गया है। आज जब बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन अमरोहा में मनाया जाना था और उस समय लोग उग्र हो गए जब बसपा सुप्रीमो के जन्मदिन पर केक काटने की बारी आई, तो लोगों में लूट खसोट मच गई और केक काटते ही लोगों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर केक को जमकर लूट लिया। कार्यकर्ताओं में केक लूटने के लिए और लड्डुओं के डिब्बे लेने के लिए जमकर खींचातानी हुई। आपको बता दें कि बुधवार को बाईपास रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में बसपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता पार्टी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाने के लिए जुटे थे। मुख्य अतिथि समेत सभी वक्ताओं का भाषण होने के बाद जब केक काटने की बारी आई, तो पदाधिकारी व कार्यकर्ता मंच की तरफ आ गए। इस दौरान धक्का मुक्की शुरू हो गई। जैसे तैसे केक काटा तो केक लूटने के लिए होड़ मच गई। कार्यकर्ता एक दूसरे को धकियाते हुए मंच की तरफ आ गए। इससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। कार्यकर्ताओं ने जमकर केक को लूट लिया। उसके बाद जब लड्डू के डिब्बे बांटने की बारी आई, तो कार्यकर्ताओं ने वहां भी एक दूसरे को जमकर धक्का मुक्की देकर लड्डू के डिब्बे लिए हैं। जब पत्रकारों ने मुख्य अतिथि लाखन सिंह सैनी से पूछा कि केक को खाने के लिए कार्यकर्ताओं में लूट खसोट मच गई, तो उन्होंने कहा कि ये कार्यकर्ताओं में खुशी थी, उन्होंने केक लूटा नहीं है। बहन जी का जन्मदिन था, बहन जी के कार्यकर्ता बड़े उत्साह में थे, उन्होंने केक को खाकर केक का एंजॉय किया है। तो जाए मतलब तो